बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात अयोध्या की, तो राम मंदिर के कपाट बंद हैं और दोपहर 2 बजे ये मंदिर के कपाट खुलेंगे। दोपहर 2 बजे ही राम लला के दर्शन हो सकेंगे। अयोध्या पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, बस ट्रेन बंद है, इसके बाद भी अयोध्या में भारी भीड़ है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग दर्शन कर सकेंगे अभी। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के कपाट बंद हैं और दोपहर 2 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे। रामनगरी में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। आस्था का सैलाब, यह आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, इसे महसूस करना है तो इन तस्वीरों को देखिए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और ये तब है आलम जबकि बस या ट्रेन या जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद है। और सीधे अयोध्या आपको लिए चलेंगे। केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह का जनसैलाब है और कैसे इसे काबू में किया जा रहा है। केबी, किस तरह की स्थितियां, अब आम लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के बाद लाखों की भीड़, क्या इंतजाम? जी देखिए, 500 वर्षों बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामलला के दर्शन का आज पहला दिन है, ऐसे में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए हैं। वही तब जब प्रतिबंध लगे हुए थे, ट्रेनें बंद थी, बस बंद थे, लेकिन जो पड़ोसी जनपद है वहां तक श्रद्धालु पहुंचे। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए पैदल चलते हुए काफी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि अयोध्या में राम भद्राचार्य की कथा भी चल रही थी, वहां भी श्रद्धालु मौजूद थे। कुल मिला के इस समय हम जन्मभूमि पथ पर हैं, आप देख रहे हैं यहां पर लंबी सी लाइन लगी हुई है। हालांकि इस समय रामलला का पट बंद है, 2 बजे अब खुलेगा, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। और कुछ श्रद्धालु उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम लोग बैंगलोर से आए। कैसे, रास्ता तो बंद थे? रास्ता तो बंद था, मगर हम लोग 3 दिन से पहले आए हैं। दर्शन करें 3 दिन पहले आ गए आप? हाँ, 3 दिन से पहले आए थे। वाह, आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से सर। आप कैसे आए? सर हम 40 बैंगलोर से। मूर्ति का बड़ा खासा जुड़ाव होगा, देख रहे 40 किलोमीटर पैदल चल के श्रद्धालु आए हैं। हमसे बात करते हैं, वैसे आप कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। आपने मूर्ति देखी तस्वीरों में? हाँ, कैसी लगी मूर्ति आपको? मूर्ति बहुत जबरदस्त बनी हुई है, अपना ही बंदा है बनाया हुआ है, मैसूर से। आप कहाँ से आए? हम लोग भी उधर से ही है, बैंगलोर से। मूर्ति आपने देखी? हाँ देखा, हम लोग फोटो देखा ना कल। कैसी लगी मूर्ति आपको? बहुत अच्छा, बहुत। आप कहाँ से आए? बंगाल से सर। कैसे पहुंचे बंगाल से यहाँ? रास्ते तो बंद है। ट्रेन से आए थे, 2 दिन थे मनकापुर में, मनकापुर में सब व्यवस्था था वहाँ रहने का। आप बंगाल से? बंगाल से हम लोग। कैसे पहुंचे बंगाल से आप? बंगाल से आया तो 2 दिन हो गया, मलकापुर में हम लोग रह गए वहाँ से। आप कहाँ से हैं? बंगाल से, सब एक साथ है हम लोग, एक साथ ही आए हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, श्रद्धालु से। आप कहाँ से? चाचा कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। कलकत्ता से? कैसे पहुंचे आप यहाँ? हम यहाँ गाड़ी में। रास्ता तो बंद था ना? रास्ता तो बंद था, अभी तो आज सुबह में छोड़ दिया। पहले सुल्तानपुर में था, आज सुबह आया इधर। कहाँ ठहरे हुए थे आप? सुल्तानपुर में, सरकारी सुल्तानपुर में, जनपद पड़ोसी में आप ठहरे हुए थे? हाँ 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 जी। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र, कोपरगांव से। कैसे पहुँचे आप यहाँ? सुबह 1 बजे पहुँचे ट्रेन से। मूर्ति आपने देखी, फोटो कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? नासिक से, मनमाड़। कैसे पहुँचे आप यहाँ? ट्रेन से, 2 दिन से हम वहाँ रुके थे मनकापुर में, तो यहाँ पे पूरा जाम करके रखा था, इधर आने नहीं दिया था। चाचा आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र, पुणे। कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? ट्रेन से पहुँचे, प्रयागराज उतरे, उधर से फिर एसटी से आए, फिर सुल्तानपुर में उतरे, 2 दिन मुक्काम रहे, फिर आज उठ के यहाँ पे आए। आपने तस्वीर में रामलला की फोटो देखी होगी, कैसी लगी आपको? देखी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये श्रद्धालु हैं जो महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुंचे हुए हैं, पड़ोसी जनपद तक पहुंचे, उसके बाद फिर वो अयोध्या पहुंचे हैं। मतलब 40 से 45 मिनट पैदल चलने के बाद श्रद्धालु अब अयोध्या पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं श्रद्धालु का रेला लगा हुआ है, आस्था का सैलाब।
तो आप जन्मभूमि पथ पर आस्था का सैलाब देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए यहां पर लाइन में खड़े हुए हैं। हालांकि अभी रामलला का पट बंद है, 2 बजे रामलला का पट खुलेगा, उसके बाद अपने आराध्य का लोग दर्शन कर सकेंगे। शाम 7 बजे तक दर्शन होंगे। माना जा रहा है कि लाखों श्रद्धालु अयोध्या मौजूद है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है सबको नियंत्रित करने में। जी बिल्कुल केबी, एक और अच्छी बात जो नजर आती है, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, वहीं बेंगलोर से आया हुआ बंदा लगा है, वहीं महाराष्ट्र से आया हुआ बंदा लगा है, वहीं आजमगढ़ से आया हुआ लगा हुआ बंदा है, संपूर्ण भारतवर्ष मानो रामलला के दर्शन करना चाहता हो। इन सबके बीच सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजाम, और लोगों से और भी चर्चा करें, इस प्रतिमा को लेकर खास तौर पर चर्चा करें, इस लंबे इंतजार को लेकर थोड़ी चर्चा करें। जी केबी, देखिए जो योगराज अरुण ने जो प्रतिमा बनाई है बहुत ही मनमोहक है, ये सबको बहुत ही मनमोहक लग रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जो दर्शन नहीं कर पाए, जो तस्वीरों में देखा, तस्वीरों को देखकर जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी उसको देखकर लोग बहुत मनमोहक है कि किस तरह से रामलला की छवि बनाई गई, किस तरह तस्वीर बनाई गई, तो बहुत मनमोहक तस्वीर है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूरे देश के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबको मालूम था कि 22 जनवरी को नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पड़ोसी जनपद में ठहरे हुए थे, और जब रास्ते खुले तो जैसे ही पहुंचे वो आपने वाहन बदल कर, चाहे पैदल हो, ग्रामीण क्षेत्र से पैदल होते हुए सारे श्रद्धालु यहां तक पहुंचे। तो मूर्ति की बात कर रहे हैं तो मूर्ति की मनमोहक मूर्ति है जो अरुण योगराज ने मूर्ति बनाई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो दर्शन नहीं कर पाए हैं और जो दर्शन करके लौटे हैं वो ही बहुत ही उत्साहित है, मनमोहक दृश्य देखकर किस तरह से रामलला अपने 500 वर्षों बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए। तो ऐसे में आज रामलला के दर्शन का पहला दिन है और पहले दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि प्रशासन को अनुमानित था कि लाखों श्रद्धालु पहुंचे गए थे, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। हालांकि जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं उस तरह श्रद्धालु को अनुमान नहीं था इतना पहुंचेंगे, लेकिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या में है। तो अब कुछ देर बाद यानी कि लगभग 2 बजे ये रामलला का पट खुलेगा और फिर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। तो कुल मिला के अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं वो राम भक्तों से पटी पड़ी हुई हैं, जगह जगह डायवर्जन किए जा रहे हैं, जितने मोड़ हैं सब डायवर्जन लगे हुए हैं। हालांकि जो भारी वाहन हैं अभी भी हाईवे पर नहीं खुले हैं, जो छोटे वाहन हैं उनके लिए हाईवे खोला गया है। तो जो श्रद्धालु हैं वो छोटे वाहन से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो कह सकें, इतिहास में वो दर्ज कर सकें कि उन्होंने रामलला का दर्शन पहले दिन किया, आज पहला दिन है। तो सारे श्रद्धालु उत्साहित हैं कि वो अपने आराध्य का दर्शन दिव्य और भव्य मंदिर में कर सकें। जाहिर तौर पर प्रथम दिन दिव्य दर्शन हर कोई करना चाहता है, हर कोई इतिहास में अपने आप को इस अद्भुत पल का साक्षी बनाना चाहता है। एक बात और कि क्या यह भी फैसला लिया जा सकता है कि फिलहाल फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद किया जाए, हाईवेज को थोड़े समय के लिए बंद किया जाए, सुरक्षा को लेकर खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब क्राउड है और क्राउड में असीम उत्साह है, उसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होता है। केबी जी बिल्कुल, जहां पर लाखों श्रद्धालु मौजूद हों उनको भीड़ को नियंत्रण करना एक चुनौती होती है। हालांकि पूरे प्रदेश की सुरक्षाकर्मी यहां लगे हुए हैं, सबको मालूम था कि यहां पर भीड़ उमड़ेगी। तो जो विशिष्ट अतिथि आए थे वो कल शाम तक वापस लौट गए थे, इसलिए हाईवे बंद कर रखा था। अभी भी जो भारी वाहन है वो बंद रखे हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित अपने घर पर वापस लौटे, इसलिए अभी भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नभ से लेकर जल थल तक व्यवस्था यहां चुस्त दुरुस्त की गई है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। वो चाहते हैं कि हमारे जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो सुरक्षा पूर्वक वो रामलला का दर्शन कर सकें और सुरक्षा पूर्वक वो वापस लौट सकें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए हालांकि हमने ये भी देखा कि जितने यहाँ सुरक्षाकर्मी लगे हैं कहीं कोई अभद्रता नहीं हो रही है, सब लोग अनुनय विनय करके राम भक्तों को दर्शन करा रहे हैं, कहीं कोई जोर जबरदस्ती स्थिति नहीं है, चाहे वो बैरिकेडिंग को धक्का भी दे रहे हैं। तो केबी, और ये नजर भी आता है, और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, इंतजार लगभग सदियों में रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो लगातार केबी की नजर बनी हुई है।